बिसम असल दोस्तों कैसे हो आप सब दोस्तों में शेफ़ अफजल आप देख रहे हैं शेफ़ अफजल यूट्यूब चैनल दोस्तों आज मैं आपको बनाना सिखाऊंगा मक्खन बड़ा जो कि बहुत ही मज़े का बनता है और बनाना भी बहुत ही आसान है ये एक रिवायती मिठाई है तो दोस्तों देखते हैं मक्खन बड़ा कमर्शल बनाने के लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत है और यह कैसे बनेगा तो आइए शुरू करते हैं मक्खन बड़ा बनाना बसमिम एक कप इसके लिए चाहिए होगा हमें दही फिटकड़ी चाहिए होगी हमें करीम ऑफ टार्टरी ये बाज़ार से आसानी से आपको मिल जाएगी मीठा खाने का सोडा यह हर घर में मौजूद होता है चार कप पानी यानी कि 800 ग्राम पानी और एक के जी मैंने मक्खन को गर्म करके रख लिया है इस तरीके से और तीन किलो मैदा इस इस तरीके का तो एक कढ़ाई रख लेते हैं और शुरू करते हैं इसकी डो बनाना इसकी डो तैयार करने के लिए हमें पानी चाहिए होगा बिल्कुल ठंडा एक पानी तो नलके के पानी का इस्तेमाल नहीं करेंगे बिल्कुल ठंडा पानी लेंगे एक कढ़ाई के अंदर दही ऐड कर दी है सबसे पहले और थ्री टेबल स्पून इसके अंदर मैं खाने का सोडा ऐड कर दूंगा तो सबसे पहले खाने का सोडा ऐड कर लेते हैं फिर वन टी स्पून हमें इसके लिए चाहिए क्रीम ऑफ टाटरी ये बाजार से मिल जाती है आपको आसानी से वन टी स्पून इसके लिए हमें चाहिए होगी फिटकड़ी बिल्कुल पीसी इसको अच्छे से कर लेंगे मिक्स इस तरीके से ताकि जो फिटकड़ी वगैरह हो उसका जो भी दाना वगैरह हो वह सब का सफल हो जाए अच्छे से दही में तो इसके बाद हम इसमें पानी शामिल करेंगे ये चार कप पानी है यानी कि आठ सौ ग्राम ये शामिल कर लेंगे ये ठंडा यक पानी है वन केजी के जी घी यानी कि ये मक्खन का मैंने घी बना लिया था एक किलो मक्खन को गर्म करके इस तरीके से तो इसको अच्छे से हाथ मारना है तकरीबन एक से दो मिनट तक इसको अच्छे से मिक्स करना है ताकि जो घी हो मक्खन का वो थोड़ा सा जम जाए अगर जो डायरेक्टली आप इसके अंदर मैदा ऐड कर देंगे तो ये ये जो डो है आपकी वो अच्छी नहीं बनेगी तो इसको अच्छे से हाथ इस तरीके से हाथ की मदद से इसको अच्छे से मिक्स करना है ताकि जो ठंडे पानी से घी जो है वो जम जाए थोड़ा सा अब इसके अंदर मैदा शामिल कर लेता हूँ मैं ये बिल्कुल परफेक्ट रेसिपी है दोस्तों आप इसको कम क्वान्टिटी में बना सकते हैं ये मैंने तीन किलो मैदा इसमें शामिल कर दिया है नॉर्मल मैदा है ये तीन किलो मैदा किसी भी ब्रांड का आप लेना चाहें ले सकते हैं तो इसको अच्छे से एक डो तैयार कर लेंगे सबसे पहले जो दोस्त और बहनें चैनल पे नए आए हैं उनसे गुजारिश है चैनल अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ लगे हुए बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको फ्री में मिलता रहे और बर वक्त मिलता रहे तो इसके सबसे पहले डो बनाएंगे इस तरीके से देखें इसमें अगर जो आपको लगे कि ज़्यादा सख्त है तो आप इसमें थोड़ा सा पानी का छिटा और भी लगा सकते हैं मगर मुझे लग रहा है कि इसमें पानी का चिटा नहीं लगाना पड़ेगा तो मैं इसको अच्छे से मिक्स कर लूँगा तो ये ज़्यादा ना सख्त हो ना ज़्यादा नरम हो जैसा कि रोटियों का आटा होता है उससे थोड़ी सी ये थोड़ी सी हार्ड होगी इसकी जो डो हम तैयार करेंगे तो ये डो रेडी है थोड़ा सा इसको गूंद लेते हैं अच्छे से क्योंकि दोस्तों मैदे को गूँदना जितना आप अच्छे से मैदे को गूंदोगे अच्छा वेल मिक्स करोगे उतना ही इसकी जो चीज़ आप बनाओगे अच्छी बनेगी तो ये भी एक टिप है मैदे को आपने जब भी गूँना है उसको अच्छे तरीके से गूँंदना है यही हलवाइयों का तरीका होता है इसी तरीके से हलवाई बनाते हैं चीज़ें और ये जो मैं रेसिपी आपके साथ शेयर कर रहा हूँ ये बिल्कुल कमर्शियल रेसिपी है तो इसको थोड़ा सा इस तरीके से और गूँध लेंगे और अब इसको निकालते हैं एक टेबल पर सबसे पहले इसके दरम्या साइज के पेड़े बनाएंगे तो इसको एक टेबल पर निकाल लेते हैं ये रेडी हो चुका है इस तरीके से देखें थोड़ा सा इकट्ठा कर लेता हूँ मैं तो एक टेबल पर निकाल दिया इसको पहले सबसे पहले थोड़ा सा फैला दूंगा ताकि इसको हवा लग जाए और ये थोड़ा सा जान में आ जाए जैसे घीस के अंदर जमेगा तो ये थोड़ा सा जान में आ जाएगा तो इसको हमने जान में कर लेना है थोड़ी सी हवा लगने देनी है दो से तीन मिनट के लिए और एक और मैं आपको बात बता दूँगी जहाँ जिस जगह पर भी आपने मक्खन बड़ा बनाना है वो जगह ठंडी होनी चाहिए गरमाइश वाली जगह ना हो किचन वगैरह ऐसी जगह ना हो वरना इसकी जो डो है वो उसके अंदर से जो घी आपने इसमें एड किया है मक्खन का वो निकलना शुरू हो जाएगा और इसका मैंने तकरीबन साठ ग्राम का एक जो एक पेड़ा है वो बना लिया है तो मैं इसका साठ ग्राम का पेड़ा बना रहा हूँ अगर जो आप इसका साठ ग्राम का पेड़ा बनाएंगे तो ये एक मक्खन बड़ा तैयार होकर बनेगा एक सौ दस ग्राम का यानी कि ये डबल हो जाता है फ्राई होने के बाद और इसमें जब शीरा आप ऐड करेंगे तो ये डबल हो जाएगा तो साठ ग्राम का आप पेड़ा बनाएंगे तो एक सौ दस ग्राम का ये बन जाएगा एक सौ दस एक सौ पंद्रह ग्राम का यानी कि आधा पाओ का तो मुझे चाहिए आधा पाओ का तो सबसे पहले इसके इस तरीके से पेड़े बना लेंगे पेड़े मैंने बना लिए हैं अब इसको मैं गोल कर रहा हूँ इस तरीके से जिस तरीके के आप पेड़े बनाते हैं और दोस्तों इसको आपने रखना है उल्टा करके जो जोड़ वाली जगह है उसको ऊपर करके रखना है इस तरीके से तो तमाम पेड़ इसी तरीके से बना लेंगे इस तरीके से देखें जोड़ वाली जगह नीचे ना हो जोड़ वाली जगह तमाम पेड़ों की आपने ऊपर ही रखनी है तो तमाम पेड़ बना लेते हैं फिर मैं आपको बताता हूँ अगला नेक्स्ट स्टेप तो तमाम पेड़ माशाल्लाह से रेडी हो गए हैं अब इसको मैंने छोड़ देना है दस से पंद्रह मिनट के लिए तो उसके बाद मैं आपको बताता हूँ कि नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या होगा तो माशाल्लाह पंद्रह मिनट हो चुके हैं तो दोस्तों देखें इस अब इसका दोबारा आपने हल्का सा गोल करना है इस तरीके से जैसे कि मैं कर रहा हूँ और इसका जो जोड़ वाली जगह है इसको इस तरीके से रखना है उसको हाथ की मदद से थोड़ा सा पुश करना है इस तरीके से उसको फैला देना है इस तरीके से देखें और ये जो जोड़ वाली जगह है इसी को आपने दबाना है बाकी जो प्लेन जगह है वो नीचे जाएगी अगर जो ये जो जोड़ वाली जगह को आप नीचे की तरफ कर देंगे तो जब आप खीमे इसको फ्राई करेंगे तो ये खुल जाएगा टूट जाएगा तो प्लीज़ इसका ध्यान कीजिएगा कि जोड़ वाली जो जगह है उसी को आपने ऊपर से पुश करना है नीचे की तरफ इस तरीके से देख लें ये मैं आपको फिर दिखा दूँ इस तरीके से जितना आपको चौड़ा बनाना हो जितना फैलाना हो आपकी मर्ज़ी है मुझे इतना ही इसको चौड़ा करना है तो मैं इतने बड़े बड़े इसको बना के रख रहा हूँ तो इसी तरीके से मैं तमाम पेड़ों को रखूँगा देखें दोबारा मैं आपको दिखा दूँ पहले इसको हम गोल करेंगे हल्के हल्के हाथ से ज़्यादा ज़ोर से आपने गोल नहीं करना फिर उस इसकी जो जोड़ वाली जगह है उसको हल्के से हाथ से दबा देंगे और जो प्लेन जगह है वो नीचे की तरफ चली जाएगी इस तरीके से देखें हाथ पे रख के तो तमाम पेड़े मैं इसी तरीके से बना लेता हूँ फिर मैं आपसे मिलता हूँ माशाला सब तमाम पेड़े रेडी हो गए हैं हमारे तो अब इसकी जो चाशनी है वो उसका भी मैं आपको तरीका बताऊँगा कि चाशनी किस तरीके से बनेगी उसका फ़्राई का तरीका भी मैं बताऊँगा देखें माशाला से बिल्कुल एकोरेट तैयार हो चुके हैं हमारे सारे के सारे पेड़े तो अब इसको फ्राई भी करेंगे और चाशनी का भी एक साइड पे चाशनी पकाएंगे और एक साइड पे इसको फ्राई करने के लिए रख देंगे देखें बिल्कुल माशाल्लाह से बिल्कुल एकोरेट एक साइज़ के बने तो प्लीज़ साइज़ का आपने इसमें ध्यान रखना है और ये देखें जो प्लेन इसकी जगह है मैं फिर आपको दिखा दूँ ये निचली साइड पे है और जो जोड़ वाली जगह है वो ऊपर है और घी में भी हमने इसको इसी तरीके से फ़्राई करना है कि जोड़ वाली जो जगह है वो ऊपर की तरफ आए और प्लेन जगह जो है वो नीचे की तरफ जाए तो घी रखते हैं और इसको देखें घी मैंने रख दिया है चूल्हे पे इसका टेम्परेचर चेक कर लेता हूँ मैं एक पीस डाल के तो आपने भी एक पीस डालना है फिर इसका टम्परेचर चेक करना है तो टम्परेचर मुझे सही लगा था टम्परेचर इसका इतना होना चाहिए जितना कि आप गुलाब जामुन फ्राई करते हैं उससे थोड़ा सा ज़्यादा हो एकदम ज़्यादा भी ना हो और इतने इसमें बबल उठ उट, उठने चाहिए घी के अंदर जितने कि आप आ रहे हैं आप देख लीजिएगा इससे ज़्यादा अगर जो घी में बबल आएंगे तो समझो आपका जो घी है वो ज़्यादा गर्म है तो ज़्यादा गर्म घी में भी आपने इसको नहीं डालना है और ज़्यादा ठंडे घी में भी नहीं डालना अगर जो आपका घी है वो जो ठंडा होगा तो ये सारे टूट भी सकते हैं और अगर जो आप इसको ज़्यादा गर्म घी में डालेंगे तो ये कच्चे भी रह सकते हैं अंदर से तो इसका जो घी का टम्परेचर उसका बिल्कुल एक्यूरेट होना चाहिए तो ये सारे मैंने घी में डाल दिए हैं अब इनको ज़रा एक साइड पर कर लेते हैं अलग अलग तमाम को और फिर इसके जो ये जो स्टेप है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है तो इसको आपने मिस नहीं करना है इसको आपने पूरा देखना है कि किस तरीके से मक्खन पेड़े बनते हैं अब ये असल इसकी जो असल टिप है वो शुरू हो गई है तो आपने नोक वाली छुरी लेनी है उसकी मदद से इसके ऊपर सुराख करने है अच्छे तरीके से इस तरीके से और ख़्याल कीजिएगा कि सुराख आपने साइडों पर नहीं करने सिर्फ बीच बीच में करने हैं अगर जो आप इसकी साइड में तोड़ देंगे तो ये सारा का सारा टूट जाएगा सिर्फ बीच बीच में आपने इसके सुराख करने हैं वो भी नोक वाली कोई आप छुरी ले लें ले या कोई भी चीज़ ले लें ले, नोकदार उसकी मदद से जिस तरीके से कि मैं इसमें सुराख कर रहा हूँ इस तरीके से हल्का हल्का सा आपने हल्के हल्के आसिन को करना है सुराख इस तरीके से तो तमाम पेड़ों को सुराख इसी तरीके से मैं कर लूँगा और इस वक्त जो फ्लेम है वो मीडियम टू लो है ज़्यादा हाई फ्लेम पे ये कभी भी फ्राई नहीं होंगे शुरू से लेके एंड तक मीडियम टू लो फ्लेम पे रहेंगे तो तमाम पेड़ों में मैंने सुराख कर दिए हैं तो जब इनको जब इनको हम इसकी जब साइड चेंज करेंगे तो फिर मैं आपको दिखाऊंगा तो अब इसका जो जो फ्लेम है वो मीडियम टू लो है तो देखें नीचे से हल्के से ब्राउन हो चुके हैं जानदार हो गए हैं नीचे से तो अब हम इनको पलट देते हैं सारों को इस तरीके से दोस्तों आपने जब भी इनको पलटना है जब ये नीचे से जानदार हो जाएँ थोड़े से सिक जाए हल्के से ब्राउन हो जाएँ कच्चों को आपने बिल्कुल भी टच नहीं करना है क्योंकि ये काफ़ी सॉफ़्ट होते हैं नरम होते हैं ये टूट जाते हैं अगर जो आप इनको बार बार ऐसे टच करेंगे नीचे से तो ये टूट जाएंगे तो इसका भी आप प्लीज़ ध्यान कीजिएगा अगर जो आपको असल मक्खन बड़े बनाने हैं असल रेसिपी है ये अगर जो आप इसमें कम घी शामिल करेंगे या जो खाने का सोडा है वो कम ऐड करेंगे तो ये थोड़े सख्त हो जाएंगे फिर आपकी मर्ज़ी है जैसे भी आप इसको फ़्राई करें तो इसकी साइड्स तमाम की पलट देते हैं और जब ये बीच में से लाल हो जाएंगे एक दूसरी साइड से फिर मैं आपको बताऊंगा दिखाऊंगा कि ये किस तरीके की इनकी शक्ल आई है दोस्तों ये बिल्कुल प्रोफेशनल रेसिपी मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ तो तमाम जो पेड़े हैं इनको मैंने पलट दिया है देखें तो अभी एक साइड से सीख जाएँ फिर मैं आपसे मिलता हूँ इस तरीके से आपने तमाम पेड़ों के अंदर सुराख कर लेने हैं सुराख करने का मकसद यही होता है कि अच्छे से अंदर से सीख जाएँ इस तरह की कोई स्टिक ले लें ले उसकी मदद से तमाम पेड़ों में इस तरीके से आपने कर लेना है सुराख अब ये मैंने कढ़ाई रख ली है अब इसकी चाशनी बना लेते हैं इतने एक साइड से हमारे जो पेड़ हैं वो पक जाएँ तो तीन के मैंने इसमें चीनी ऐड की है तीन किलो चीनी और डेढ़ किलो पानी अब इसकी चाशनी बना लेते हैं और आधा किलो इसमें मैं ग्लूकोस ऐड करूँगा अगर जो ग्लूकोस आपके पास ना हो तो आप इसमें लीम का रस भी ऐड कर सकते हैं और आप इसमें दो से चार दाने टाटरी के वेड ऐड कर सकते हैं सिर्फ ये ये चीज़ें ऐड करने का मकसद यही होता है कि जो हमारी चीनी हो उसमें क्रिस्टल ना आए दाना ना आए चीनी का ठंडे होने के बाद तो मैंने इसमें आधा किलो ग्लूकोस ऐड कर दिया है तीन किलो मैंने इसमें चीनी ली है डेढ़ किलो इसमें मैंने पानी लिया है और आधा किलो मैंने इसमें ग्लूकोस ऐड कर दिया है उबाल आने के बाद इसको तीन से चार मिनट तक हमने पकाना है फिर इसका चूल्हा बंद करके इसको नीचे उतार देंगे तो तीन से चार मिनट तक ये पक जाए तो फिर इसको मैं नीचे उतार देता हूँ और पेड़ों को देखते हैं कि उनकी क्या पोजीशन है पेड़ माशाल्लाह से एक साइड से बिल्कुल तैयार हो चुके हैं अब इसकी जो दूसरी साइड है वो चेंज कर देते हैं देखें इस कलर के आपने निकालने ज़्यादा डार्क कलर भी नहीं करना वरना ये जल भी जाते हैं बिल्कुल ये वाला कलर होना चाहिए सेम तो जब भी जो आपके पेड़े हैं बिल्कुल प्रोफेशनल बनेंगे और अच्छे बनेंगे इस तरीके से देखें बिल्कुल ये कलर इससे ज़्यादा हल्का कलर भी मत कीजिएगा वरना ये कच्चे भी रह जाते हैं और इसका जो फ़्लेम है वो शुरू से लेके एंड तक मीडियम टू लो ही आपने रखना है ज़्यादा हाई नहीं रखना और ज़्यादा कम भी नहीं करना तो इतना इसका फ़्लेम हो कि हल्की हल्की आँच इसके नीचे लगती रहे तो जैसे ये तैयार हो जाते हैं फिर मैं इनको निकालता हूँ और फिर आपको दिखाता हूँ तो देखें माशाला से पेड़े हमारे बिल्कुल रेडी हो चुके हैं और आपने इसको चेक भी कर लेना है कि ये कड़क है या नरम ये हल्के से कड़क होने चाहिए नरम नहीं होंगे ये जब भी घी में फ्राई होंगे अच्छी तरीके से तो अब इसको मैं निकाल लेता हूँ तमाम पेड़ों को देखें माशाल्लाह से इसका जो कलर है वो देखें कितना ज़बरदस्त और कितना सुनहरी कलर आया है तो दोस्तों ये प्रोफेशनल रेसिपी है असल रेसिपी है मक्खन बड़े बनाने की और मैं समझता हूँ कि यूट्यूब पे पहली रेसिपी होगी जो कि मैं शेयर कर रहा हूँ मक्खन बड़े की इस तरीके की असल औरिजनल रेसिपी बिल्कुल जिस तरीके से कि हलवाई बनाते हैं तो तमाम पेड़ मैं निकाल के इसको एक घंटे के लिए रख दूँगा और उसके बाद इस पर चाशनी लगाएँगे और तो पेड़े जो हैं वो हमारे ठंडे हो चुके हैं एक घंटा हो गया है अब इस पर चाशनी लगाते हैं और वो मैं आपको तरीका बताता हूँ किस तरीके से लगाएंगे तो इनको मैंने एक ट्रे के अंदर सबको इस तरीके से तरतीब से लगा दिया है और जो चाशनी है हमारी वो भी ठंडी हो गई है और ये जो पेड़े हैं इनमें हल्की हल्की सी गरमाइश है बिल्कुल नॉर्मल गरमाइश आप चाहें तो इनको बिल्कुल ठंडा कर लें और ये चाशनी का मैं आपको तार भी दिखा दूँ देखें ये इतनी एक तार की होनी चाहिए मोटी तार और जो शीरा है इसके ऊपर इस तरीके से डाल देंगे और ये अमल हमने कम से कम ये जितना भी शीरा है तमाम का तमाम इसके ऊपर जाएगा जितने भी आपके पेड़े होंगे सबके ऊपर जाएगा तो ये अभी मैंने कुछ पेड़ों इसमें से बचा लिए हैं तकरीबन बीस से पच्चीस और ये मैं आपको इसका वज़न भी बता दूँ कि ये तीन किलो मैदे में बनते हैं नौ किलो और एक किलो मैदे में ये बनते हैं तीन किलो इसकी जो क्वांटिटी है तो आपको जितने भी पेड़े बनाने हो आप उतना ही मैदा लीजिएगा ये मुझे नौ किलो बनाने थे तो मैंने तीन किलो मैदा लिया है तो इसके ऊपर इसी तरीके से मैं शीरा ऐड करता रहूँगा कम से कम पाँच से सात मिनट के लिए देखें जो शीरा इसके आगे आ जाएगा ट्रे के आगे वो भी मैं उठा के दोबारा इसके ऊपर डाल दूँगा ताकि शीरा इसके अंदर अच्छे से चला जाए अच्छे से जब तक इसके अंदर शीरा बिल्कुल अंदर तक नहीं जाएगा चाशनी अंदर तक नहीं जाएगी तो इसको खाने में मज़ा बिल्कुल भी नहीं आएगा तो इसका आपने अच्छे से शीरा पिलाना है इसको बिल्कुल और पाँच से सात मिनट तक बार बार इसके ऊपर शीरा डालना है ट्रे को थोड़ा सा टेढ़ा कर दें आप ताकि शीरा इसके अंदर जाए भी और फिर वापस निकल के आता रहे इस तरीके से और ये ट्रे के अंदर से आप उठा उठा के शीरा इसके ऊपर दोबारा डालिएगा इस तरीके से दोस्तों ये बिल्कुल असल रेसिपी है ओरिजिनल रेसिपी है ओरिजिनल हलवाई वाली रेसिपी है और माशाल्लाह आप इसका कलर इसका साइज़ देख लीजिएगा बिल्कुल एक कुरेड साइज़ है और एक एक ही कलर है तो कलर का भी आपने ध्यान रखना है और आपके मखन पेड़े कैसे बने तो आप ज़रूर मुझे पिक्चर सेंड कीजिएगा मेरा व्हाट्सअप नंबर डिस्क्रिप्शन में है आप वहाँ पर जाके अपने जो भी आपके मक्खन पेड़े बने आप उसकी पिक्चर ज़रूर शेयर कीजिएगा मेरे साथ तो अब ये जो मक्खन पेड़े हैं वो हमारे तकरीबन रेडी होने वाले हैं क्योंकि काफ़ी देर हो गई है मुझे इसके ऊपर शीरा ऐड करते हुए तो थोड़ा सा मैं इसके ऊपर और शीरा ऐड कर देता हूँ इस तरीके से क्योंकि शीरा ही इसकी जान है चाशनी ही इसकी जान है अगर जो आप चाशनी पिलाने में इसको कंजूसी करेंगे फिर जो इसका जो टेस्ट है मज़ा है वो थोड़ा कम हो जाएगा तो आपने चाशनी इसको प्रॉपर पिलानी है और ये भी मैं आपको बता दूं ये जो मैं इसके ऊपर चाशनी डाल रहा हूँ ये गर्म नहीं है ये भी बिल्कुल इतनी गर्म है कि आप इस आपकी उंगली इसके अंदर चली जाए बिल्कुल हल्की नॉर्मल गर्म तो ज़्यादा गर्म चाशनी मत इसके ऊपर एड कीजिएगा वरना ये नरम हो जाएंगे तो माशाल्लाह से ये हो गए हमारी रेडी तो अब इसको मैं डिश आउट करता हूँ फिर आपको डिश आउट करके भी दिखाऊंगा और इसको तोड़ के भी दिखाऊंगा तो ये वीडियो मेरी आपने बिल्कुल एंड तक देखनी है ताकि आपको पता चले कि इसके अंदर से क्या पोजीशन है और ये इंशाल्लाह मुझे यकीन है अंदर से कच्चे बिल्कुल भी नहीं होंगे तो इनको एक कर लेते हैं डिश आउट और फिर मैं आपको दिखाता हूँ कि इसकी क्या शक्ल है क्या पोजिशन है अंदर से एक प्लेट में निकाल कर दोस्तों वीडियो बनाते हुए कोई मुझसे भूल चूक हो जाए या मैं कोई कुछ बातें भूल जाता हूँ तो मैं अपना जो व्हाट्सअप नंबर है डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ तो आप वहाँ से जाके मुझसे कोई भी मेरी रेसिपी के बारे में मालूम लेना चाहें तो आप ले सकते हैं तब तो इसको एक डिश आउट कर लेते हैं देखिए प्लेट में मैंने इसको निकाल दिया है अब मैं आपको इसको तोड़ के दिखा देता हूँ आप देखिएगा कि ये अंदर से कच्चा है या पक्का है देखें माशाल्लाह से कितना ये अंदर से क्रिस्पी और कितना ख़स्ता और मज़े का है और शीरा बिल्कुल इसके अंदर तक है तो दोस्तों ये थी आज की मेरी वीडियो आपको कैसी लगी ज़रूर अपना फीडबैक और वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा अपने वालदेन का ख्याल रखिएगा अल्लाह हाफिज़